जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम स्पिरिचुअल एकेडमी। स्टूडेंट नाइन्थ क्लास जी मैथमेटिक्स पढ़ूँ पे, जिनमें अस ज्योमेट्री क्यों था चैप्टर नंबर टेन। चैप्टर नंबर टेन पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ठीक है जी, पैरेललोग्राम के बारे में अस लास्ट लेक्चर्स में पढ़ो से, अज अस एक्सरसाइज 10.3 कहे। पर इन अग में एक थ्यूरम पढ़ा जो रिलेटेड है ट्राइंगल से। ठीक है जी, ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्यूरम है। तक चये तो थ्यूरम सभी अस न पढ़ा, कुछ थ्यूरम्स इनमें पढ़ा जो अस समझूँ था इम्पोर्टेंट हैं, या जो पेपर में भी इंदा नी, और जैसे अस समझ याद कर सकूँ समझी कर थ्यूरम्स अस क्या। थ्यूरम लास्ट टाइम जैसे असोस एक तो उनमें तक बुधाया तो थ्यूरम जहाँ टोटल सिक्स पार्ट्स हूँ नी। स्टेटमेंट ऑफ थ्यूरम होंगी है सब का पैरों, बे नंबर से थ्यूरम जी फिगर होंगी है, टे नंबर से उन्हीं थ्यूरम जी स्टेटमेंट के ऐसी करे फिगर भी स्टेटमेंट के पढ़ी करे पो ठाए भी है, जड़े हिसाब से स्टेटमेंट हुए ओड़ी ही फिगर ठाए भी है। उनका पो गिवन हों जो स्टेटमेंट फिगर बिन्हीं के ऐसी करे गिवन लिखो आ अस मन मिलल है, उनका टू प्रूव हों वरी पो कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन समटाइम्स जरूरी हुए तो कुछ थ्योरम्स में थी है, कुछ में नी है। लास्ट जो मेन पार्ट है वो थ्योरम जो दैट इज प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ये सिक्स पार्ट्स कें भी थ्योरम में होंगे नी। हाँ ही 10.3 एक्सरसाइज का अग में ही थ्योरम जो है अस थ्योरम की स्टेटमेंट सब का पैर तो ऐसा था। जी ऐसो तो स्टेटमेंट है थ्योरम जी, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। क्या मतलब थे जी, हाँ इन मुताबिक जो अस फिगर ठाया इतने फिगर में असो ट्राइंगल ड्रॉ करो है, चाहे तो ट्राइंगल के कड़न भी बिन पास जहाँ मिड पॉइंट्स खण लेट्स सपोज ट्राइंगल जो असा पे तो ट्राइंगल के नालो दई छूँ से दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। ए बी सी ट्राइंगल है, फर्ज क्यों था इन पास जो ही मिड पॉइंट आ इनो नालो रखूँ था से पी ए साइड जो मिड पॉइंट आ उनो नालो रखूँ था क्यू। हाँ क्वेश्चन आज चाहे तो जैसे तुम पी ए क्यू के पान में जॉइन कद स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम में बुधायल आ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग तो ही जो लाइन सेगमेंट आ जो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स के जॉइन करण से ठाया चे तो दिस विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड मन ही पी क्यू जो लाइन अस ड्रॉ कई है लाइन सेगमेंट यो इन थर्ड साइड यानी बी सी से पैरेलल होंद यो प्रूव करो बो चे तो एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ मन इनकी जो लेंथ होंगी मेयरमेंट होंगी वह इन बी सी के हाफ के बराबर होंगी। ठीक है जी, ऐसो ध्यान कर हाँ इतने पे तो गिवन में लिखा जी कि गिवन में लिखूँ था तो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी साइड एंड बी सी साइड, सॉरी ए सी साइड। ठीक है जी, तो पी जो है वो ए बी जो मिड पॉइंट आ क्यू जो है वो वरी यस ए सी जो मिस मिड पॉइंट आ रिस्पेक्टिवली तरतीबवार। ठीक है जी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए ट्राइंगल है अस ए बी सी अने चे तो प्रूव करण ये पी ए क्यू के जॉइन कियासे तो पी क्यू लाइन सेगमेंट ठही वो हाँ प्रूव अस करण ब गाल चे तो एकड़ी चे तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी मन हि पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है यो बी सी से पैरेलल हों पैरेलल जो सैम्पल तक बुधाया था अगमें इन की जो लेंथ है या मेयरमेंट है पी क्यू जी दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ मेयरमेंट ऑफ बी सी। ठीक है जी, तो माना यो प्रूव करण असि पी क्यू जो है बी सी से पैरेलल है एंड जी लेंथ जो है वह इनजे
हाफ जे बराबर आ है। अच्छा हाँ इतने कंस्ट्रक्शन करनी पौधी जी ने थ्योरम में कंस्ट्रक्शन यह क्यों था ही पी क्यू लाइन सेगमेंट के थोड़ा अगते एक्सटेंड क्यों था अगते एक्सटेंड करे इन पॉइंट वठाऊँ था डी पॉइंट पर ही ओतरो ही एक्सटेंड किया जेतरी पी क्यू जी लाइन था माना पी क्यू जी जेतरी माप आ उन बराबर माप रखी कर पी क्यू लाइन के अगते ड्रॉ किया उनते ये पॉइंट डी वरतो आ जेतरो डिस्टेंस पी क्यू जो ओतरो ही डी ए क्यू के विच में रखी कर लास्ट में इन डी के अस जॉइन क्यों था सी से डी के सी से जॉइन क्यों था यो एक ट्राइंगल ठही वो बाहरी साइड से क्यू सी डी ठीक है जी कंस्ट्रक्शन असें लिखनी पौधी तो प्रोड्यूस किया पी क्यू के अगते बताया टू पॉइंट डी सच दैट अड़ी तरह से जो ही क्यू डी जो लेंथ रखी है अस ओतरी रखी है जेतरी पी ए क्यू के विच में डिस्टेंस है यानी मेजरमेंट है पी क्यू जी। अच्छा उनका पो जॉइन किया से डी के सी से जी अस वही ट्राइंगल ठही हो। अच्छा जी हाँ अचो लास्ट पार्ट असो थ्यूरम जो जो मेन पार्ट हों दैट इज कॉल्ड प्रूफ तक बुधाया था प्रूफ जो अस लिखना है वो बिन कॉलम्स की फॉर्म में एक कॉलम में स्टेटमेंट्स लिखना है बे कॉलम में उन्होंने स्टेटमेंट्स जहा रीजन्स लिखना है। अच्छा हाँ इतना तुम तो ये अस ट्राइंगल्स तो खोल सारा इन फिगर में नजर आने अचन था इन एंगल्स के अस नंबरिंग कर छ्यूं था ही जी जाते ही क्यू पॉइंट है इतने ही जो ब एंगल्स नी इनके एंगल वन इनके एंगल टू चूं था ये वर्टिकल एंगल्स नी पा में ये एंगल थ्री इनके एंगल लेट सपोज अस फोर जो नालो दई छो है जी हाँ ऐसो ही जो ट्राइंगल्स अस वाया नी एक मथ्यों ट्राइंगल ए पी क्यू खणूँ था बो ही बाहर वो जो ट्राइंगल है दैट इज सी डी क्यू इन बिन्हीं ट्राइंगल्स की पा में करेस्पोंडेंस क्यों था इन में कड़ी कड़ी शूं सेम आज जी ऐसो इन में पी क्यू लेंथ और उनमें क्यू डी या डी क्यू भले चई वो लेंथ ये बई पा में कॉन्ग्रेंट आन या शे किथे लिखल है या जाहिर छा में थे थी या शे कंस्ट्रक्शन में जाहिर थे थी रीजन कंस्ट्रक्शन से इन जो एंगल वन है इन जो एंगल टू ये बई पा में कॉन्ग्रेंट नहीं वाई बिकॉज बोथ आर वर्टिकल एंगल्स उनके अलावा इनकी ए क्यू साइड जी इनकी सी क्यू साइड सी क्यू या भले क्यू सी चई वो ये बई पा में बराबर नहीं यह शाम जाहिर थे थी यह श रीजन ींदे गिवन में जाहिर थे थी छो तो गिवन में लिखल है पा चे तो क्यू जो है एसी जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट जो मतलब यो ही जो ए क्यू के विच में डिस्टेंस है ओतरो ही क्यू है सी के जी ही ठही हो ये तो असं ऐसा साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट ठही हो माना बिन ट्राइंगल्स या ब साइड्स ए उन्होंने विचवारा विचवारो एंगल बई पा में बराबर थी तो इट मीन्स साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट मुताबिक जी हि बई ट्राइंगल्स पा में कॉन्ग्रेंट थी। अच्छा ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट थे जो मतलब है इन बाकी एलिमेंट्स भी पा में बराबर थी यानी एपी साइड इन ट्राइंगल की एपी साइड जो इन ट्राइंगल की सी डी साइड के बराबर समझी वी सो एपी इज इक्वल टू सॉरी एपी लिखना हो एपी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी एंड एंगल थ्री इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल फोर ठीक है जी बई एंगल्स भी पा में बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स छो तो जैसे ट्राइंगल्स बराबर थी तेरे उन्होंने बाकी एलिमेंट्स भी बराबर हों। अच्छा बट हाँ इतने असूँ था ये जो एंगल थ्री ए फोर नी
ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल थ्री एंड फोर चारी अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इनमें साबित यो थी तो जड़े ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर थी इनमें साबित यो थी तो ये जो ए बी है लाइन ए बी और सी डी ये बई पा में पैरेलल थी हुई छो बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है नी, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये शे तांगे बुदाया लास्ट टाइम ते जने पैरेलल लाइंस जी डेफिनेशन कही जे तो तांगे बुदाया जे तो ये थ्योरम आहे तो पैरेलल लाइंस के जने का ट्रांसवर्सल कट कर दिया है, ठीक है नी, तो उन्हें जा अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगा नहीं, या अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जन देन बोथ लाइंस विल बी पैरेलल। इट मीन्स ए बी एंड सी डी पाण में पैरेलल आहिनि, पर ए बी ऐं सी डी पैरेलल आहिनि त इन जो मतिलबु त इहो थी वियो त इहो जेकी फिगर आहे पी डी सी क्यू या हिनो शुरू थियो त पी बी सी डी दिस विल बी अ पैरेलल ग्राम, सो पी बी सी डी इज अ पैरेलल ग्राम। वाय उहे न करे छो त हिन जा तव्हां ॾिसो था त अपोज़िट साइड्स पैरेलल आहिनि ऐं कॉन्ग्रेंट बि आहिनि, ठीकु आहे नी, माना ही साइड जॾहिं ए बी ऐं सी डी पैरेलल नी दैट मीन्स त ज़ाहिर आहे बी पी ऐं सी डी बि पाण में पैरेलल थी वियूं, ठीकु आहे नी, ऐं साॻी तरह सां ही साइड्स सॉरी साॻी ॿई सी डी ऐं पी बी इहे पाण में बराबरि थी वई छो छो त बी पी जेको आहे हू ए पी जे बराबरि आहे छो त पी मिड पॉइंट आहे ऐं सी डी जेको आहे उहो असां मथे चई आहियूं त सी डी जेको आहे उहो बि ए पी जे बराबरि थी वियो आहे। इट मीन्स त ही ॿई अपोज़िट साइड्स पाण में जी इक्वल भी थी वायूं ऐं पैरेलल भी आहिनि, सो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोज़िट साइड या अ पेयर ऑफ अपोज़िट साइड आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट, ठीक है जी, ॿई शयूं थी वियूं। अच्छा हाँ ही फिगर पैरेललोग्राम की ठही हुई तो पैरेललोग्राम जो तो मतलब है इन अपोजिट साइड्स पान में पैरेलल हों नी, इन जो मतलब थो इन जो मतलब थो तो देयर फॉर पी डी जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू बी सी, माना पी डी जो हाँ वो पी डी चो भले पी क्यू चई वो भले ये बई पान में पैरेलल थी है, दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू is parallel to BC, ठीक है जी, because of the parallelogram, ठीक है जी, because P BCD is parallelogram। अच्छा उनखां अलावा ही जेको पी क्यू डिस्टेंस आहे असां ॾिसूं था त पी क्यू जेको आहे उहो हाफ आहे पी क्यू हाफ आहे कंहिंजो पी डी जो, बट पी डी जेको आहे उहो त बी सी जे बराबरि आहे, इट मीन्स त पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ही हाफ छो आहे ही कंस्ट्रक्शन मां ॻाल्हि ज़ाहिर थिए थी, सो पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू ऑफ बी सी, ठीक है जी, छो त ही पैरेललोग्राम आहिनि जॾहिं पी डी ऐं बी सी पाण में कॉन्ग्रेंट आहिनि त पी क्यू हुनजो हाफ आहे, हुनजो हाफ चवण जो मतिलबु अथई इहो पी क्यू जेको आहे इहो सेम जी बी सी जो हाफ आहे,
सो दिस वॉज द थ्यूरम ई बई शूं रिकॉर्ड हुई हेठों क्यू ई डी लिखा था मीन्स प्रूव थी हुई बई गाल पी क्यू लाइन सेगमेंट है या इन सा बी सी से पैरेलल भी है बी सी के हाफ के बराबर भी है। हाँ इन सौ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन्स ये तो थ्यूरम हो थ्यूरम यो तक याद भी कद समझी कर याद कौ तो याद की जारी गल अदरवाइज जी। नेक्स्ट अगत हलूँ तो इनमें एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 10.3 चाहे थी असंगे इन जो क्वेश्चन उनकी स्टेटमेंट्स के समझूँ था प्रूफ करो को क्वेश्चन ऐसे जो उनके प्रूफ भी क्यों था अदरवाइज न तो जस्ट स्टेटमेंट्स के समझूँ याद रखूँ। ये क्वेश्चन नंबर वन है जी चाहे तो इफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड जी ही तो इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन अची वो क्वेश्चन भी तमाम ईजी अची वो चे तो एक ट्राइंगल में जैसे बिन साइडन जहाँ मिड पॉइंट्स पान में मिलायूँ था उहे मिड पॉइंट्स थर्ड साइड के बराबर आन ठीक है जी। फर्ज कर इनके नालो दी छो ए बी सी ट्राइंगल है ही पी क्यू है तो इन पी क्यू की मेयरमेंट उन्हें दई छी असेंगे हाँ इतने का शे प्रूव न करनी है बल्कि इतने गिविन ए रिक्वायर्ड भले चई छो गिविन यो है इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स of AB and AC respectively in triangle ABC. उनके अलावा उन्होंने चाहा था PQ is parallel to बल्कि उन्होंने चाहा बल्कि ये तो पान के थ्योरम भी बताए तो ठीक है जी। सो इट मीन्स द इतने सो लिखी सकूँ था पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी ठीक है जी। हाँ रिक्वायर्ड चाहे गिवन में यो भी आए तो चाहे तो पी क्यू जी जो लेंथ था वो है 4 सेंटीमीटर पी क्यू जी। हाँ क्वेश्चन आरो असंखे चाहे तो फाइंड कर या रिक्वायर्ड है असंखे बी सी जो साइड आ थर्ड साइड उनकी मेयरमेंट केतरी थी ये वेरी सिंपल इन जो सॉल्यूशन चौंदा से प्रूफ में चौंदा से बट सॉल्यूशन भी वेरी सिंपल तो अस पढ़ी आया से पी क्यू जो है वो उनकी मेयरमेंट बराबर थी 1/2 टाइम्स ऑफ मेयरमेंट ऑफ बी सी जे ड्यू टू थ्यूरम थ्यूरम जो अस प्रूफ किया से रीजन भले लिखी छो तो थ्योरम मुताबिक अच्छा पो पी क्यू की लेंथ मिले इतने जी 4 सेंटीमीटर बी सी की लेंथ असंके फाइंड करनी है जो 2 डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई में 2/4 ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन थी तो बी सी जो है उनकी मेयरमेंट थी 8 सेंटीमीटर्स ठीक है जी। थ्योरम मुताबिक जो थ्योरम हाँ अस पढ़ोसे उन मुताबिक यो क्वेश्चन हो अच्छा उनखा पो हाँ अगत हलो नेक्स्ट क्वेश्चन्स उनकी स्टेटमेंट्स के समझो क्वेश्चन नंबर 2 में चाहे तो जी चाहे तो प्रूव दैट जी ऐसो क्वेश्चन नंबर 2 चाहे तो असेंगे तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर जी इन स्टेटमेंट के थोड़ो समझंदो प्रूफ इन जो असं न कंदे बट इन स्टेटमेंट के समझ याद भी रख चाहे तो क्वाड्रिलेटरल कड़े भी टाइप जो हो क्वाड्रिलेटरल तक बुधाया हुआ चौकुंडे के चवंदा जैसे चार पासा चार कुंडा होजन एनी क्लोज फिगर विच हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल हाँ फर्ज कर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आ चाहे तो इनकी जैसे मिड पॉइंट वो था अपोजिट साइड्स जहाँ अपोजिट साइड्स या मिड पॉइंट यानी इन सी डी जो
ए बी जो मिड पॉइंट फर्स्ट कहते हैं पी पी आए न पॉइंट के पी जो नालो ॾियूं था ऐं सी डी जो मिड पॉइंट दैट सपोज क्यू आहे बी सी जो मिड पॉइंट या इन जो मिड पॉइंट दैट सपोज आर आहे ऐं हिन साइड जो मिड पॉइंट फर्स्ट कयो त एस आहे ठीकु आहे जी पी क्यू आर एस हाणे हीउ चए थो त पी खे क्यू सां जॉइन कंदव ऐं आर खे जेकॾहिं एस सां जॉइन कंदव त हीअ जेके लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कया नी ही ॿई लाइन सेगमेंट्स हिक ॿिए खे बाइसेक्ट कनि था माना हीउ जेको पॉइंट आहे हीअ हिननि ॿिन्हिनि लाइन सेगमेंट्स जो जी मिड पॉइंट आहे माना पी क्यू एंड आर एस बाइसेक्ट ईच अदर इहो प्रूव करिणो बट हाणे प्रूव न कंदासीं असां जस्ट हिन स्टेटमेंट खे सम्झो आहे त इन सिचुएशन में जॾहिं बि माना कंहिं बि क्वाड्रिलेटरल जा आमा सामा मिड पॉइंट्स पाण में जॉइन कंदव त उन सां जेके लाइन सेगमेंट्स ठहंदा नी उहे हमेशह हिक ॿिए जे बाइसेक्ट कंदा आहिनि माना उन जो ॿई लाइन सेगमेंट हिक ॿिए खे मिड पॉइंट ते कट कंदा आहिनि ठीकु आहे प्रूफ खे इग्नोर कयूं था स्टेटमेंट्स सम्झूं था ऐं हिनखे यादि कंदव छो त इहे स्टेटमेंट्स ई कमु वारियूं आहिनि इहे किथे बि टेस्ट वग़ैरह में अची सघनि थियूं हुन खां पोइ थर्ड नंबर क्वेश्चन ते हलूं था चए त द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम ही थर्ड क्वेश्चन में चए थो त जेकॾहिं पैरेललोग्राम आहे सॉरी न बल्कि हिते बि क्वाड्रिलेटरल चए थो कहिड़ो बि क्वाड्रिलेटरल तव्हां खणो था लेट सपोज ही क्वाड्रिलेटरल असां खयों आहे नालो हिन जो ए बी सी डी रखी छॾियऊं भले हीअ हाणे हिते छा चए थो द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम जी चए थो त हीउ जेकॾहिं तव्हां फ़र्ज़ु कयो हिन साइड जो मिड पॉइंट पी खणो था हिन साइड जो मिड पॉइंट क्यू खणो था हिन साइड जो मिड पॉइंट आर खणो था हिन साइड जो मिड पॉइंट एस खणो था हाणे जेकॾहिं हिननि खे पाण में जॉइन कंदो तरतीब सां माना पी खे क्यू सां उते त हुयो न पोयों क्वेश्चन में पी खे आर सां जॉइन कयोसीं अपोज़िट साइड्स ऐं हिते हिन तरतीब सां चए थो पी खे क्यू सां जॉइन कयो क्यू खे आर सां जॉइन कयो आर खे वरी एस सां जॉइन कयो एस खे वरी साॻियो वापसि पी सां जॉइन कयो त हिते चए थो त प्रूव इहो करिणो आहे तव्हांखे प्रूव त न कंदासीं बट हिनखे सम्झंदो हितां हीअ जेका फिगर ठही वई न अंदरि पी क्यू आर एस दिस इज़ अ पैरेललोग्राम ठीकु आहे जी माना हीअ फिगर जेका आहे इहा पी क्यू आर एस जेको आहे इहो पैरेललोग्राम आहे जी फोर्थ क्वेश्चन त अगेन थ्योरम ई आहे जेको पाण पढ़ियोसीं हुनजी स्टेटमेंट लिखियलु आहे रिवर्स में चए थो प्रूव दैट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अदर साइड ऑफ ट्राइंगल आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड जी हीअ त सेम थ्योरम वारी ॻाल्हि अची वई चए थो जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि ट्राइंगल जे कंहिं बि हिकिड़ी साइड जो मिड पॉइंट खणंदो ऐं उहो मिड पॉइंट तव्हांजो थर्ड साइड सां पैरेलल हुजे अदर साइड सां त इहो मिड पॉइंट जेको आहे न साम्हूं वारी साइड खे बि बाइसेक्ट कंदो बाइसेक्ट जो मतिलबु आहे त उनजे बि मिड पॉइंट ते वञी करे मिलंदो जी बिल्कुलु इहा त साॻी थ्योरम जी ही स्टेटमेंट थी वई उन खे ई अदर वर्ड्स में हुन हिते कन्वर्स ऑफ थ्योरम ईअं सम्झो त रिवर्स में प्रूव करण लाइ चयो आहे ठीकु आहे नी अच्छा हुन खां पोइ फिफ्थ नंबर आहे चए थो प्रूव दैट द फोर ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड बाए जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑल कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर जी क्वेश्चन नंबर फाइव में चए थो जेकॾहिं तव्हां वटि हिकिड़ो ट्राइंगल हुजे हुनजे मिड पॉइंट्स खे पाण में जॉइन कयो पहिरियों त हिन ट्राइंगल जो नालो फर्ज़ु कयो ए बी सी रखूं था चए थो हिन जा टई पासा हुन जा मिड पॉइंट वठो लेट सपोज हिन जो मिड पॉइंट डी आहे हिन जो ई आहे ऐं हिन जो एफ आहे हाणे चए थो त जेकॾहिं तव्हां हिननि खे जॉइन कंदो द लाइन सेगमेंट्स पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ
सॉरी प्रूव दैट द फोर ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल जी चाहे तो इन्हें ट्रेनिंग के मिलाओ पान में साकी तरह से जी मत क्वाड्रिलेटरल में मिलाओ से हाँ ही मिलाने से ही तो चार ट्राइंगल्स चाहिए तो ट्राइंगल ही चाहिए ए डी एफ बो ट्राइंगल बी डी ई सी एफ एंड चौथों विच से एफ ई डी क्वेश्चन आ रो चाहिए तो ये सभी ट्राइंगल्स पान में कॉन्ग्रेंट थी ठीक है जी मैं इतने प्रूव ये करना प्रूफ तो असा न करना से बस इनके स्टेटमेंट के समझो था तो ये जैसे भी कहो वे तो ही ए एफ डी ट्राइंगल या ही बी डी ई ट्राइंगल या वरी ही मथ्यों सी ई एफ ट्राइंगल अंदरों एफ ई डी ट्राइंगल यही सभी ट्राइंगल्स पान में कॉन्ग्रेंट होंगे इन स्टेटमेंट के याद रख दो जैसे भी ट्राइंगल या मिड पॉइंट्स पान में जॉइन कर उन चार ट्राइंगल्स चाहन था ये सभी ट्राइंगल्स पान में कॉन्ग्रेंट होंगे ठीक है जी ही एक्सरसाइज हुई इन जहाँ थ्यूरम अस सॉल्व किया से प्रूव किया से उन एक्सरसाइज जो भी एको क्वेश्चन भी सॉल्व किया से बाकी स्टेटमेंट्स तुम सामू ये रखियो नहीं इन स्टेटमेंट्स के पाँचे दिमाग में वेहींद ठीक है जी ये स्टेटमेंट्स अक्सर क्वेश्चन में टेस्ट वगैरह में कम ही है बाकी इन सभी क्वेश्चन के जैसे प्रूव कदा तो उनमें तमाम घो टाइम लगन पा इन चाहे तो ट्राई करो था ठीक है जी अल्लाह हाफिज़।